साहर बासित है और मैं एक किताब लिख रही हूँ. प्रोफेशनल राइटर तो नहीं बट किताब लिख रही हूँ अपनी ज़िंदगी के ऊपर. वो इसलिए क्योंकि तकरीबन 5 साल पहले जब मैं 16 साल की थी तो मुझे एक बीमारी हो गई. उसका नाम है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस. और उससे उसका मतलब ये है कि मेरी अपनी बॉडी जो है वो थोड़ी पागल है और मेरे लिवर को ये अटैक कर रही है. उसकी वजह से काफ़ी मसले हुए, सिम्टम्स काफ़ी बुरे थे, डिप्रेशन थी, एंग्जाइटी थी. लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया है कि ये एक प्रॉब्लम बीमारी कम और एक पॉजिटिव और एम्पावरिंग चीज़ ज़्यादा रही है मेरी ज़िंदगी के अंदर. ये जो हुआ जब मैं 16 साल की थी उसकी वजह से बहुत भारी दवाइयाँ लेनी शुरू की और उन दवाइयों से मसले हुए, कुछ बाल गिर गए और बहुत मैं तकलीफ़ में रहती थी. मैं डिप्रेस हो चुकी हुई थी, मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं दुखी हूँ. और उसका एक ही इलाज था कि एक तो मैं साइकाइट्रिस्ट के पास गई, उन्होंने मुझसे बातें की और पॉजिटिविटी की बहुत मुझसे बात की और वो इवेंचुअली सच होना शुरू हो गया. फिर हम नए घर में शिफ्ट हो गए और बिल्लियाँ ले ली, उससे एक बहुत सेंस ऑफ खुशी आई. चीज़ें काफ़ी ठीक हो रही थी, उस समय फिर बीमार हो गई. डॉक्टर्स को यहाँ पे समझना है कि करना क्या है, कौन सी दवाई देनी है, कैसी देनी है. फिर मैं बाहर चली गई ट्रीटमेंट के लिए. उन्होंने फिगर आउट किया कि जो मुझे डायग्नोज किया गया था सही किया गया, लेकिन मुझे उसका इतना एक रेयर फॉर्म है, स्पेशली क्योंकि मैं लड़की हूँ और क्योंकि मैं उम्र में छोटी थी जब मुझे हुआ था. मेरा सबसे बड़ा डर ही ये था कि मैं एक बीमार बच्ची रह जाऊँगी और सहार नहीं रहूँगी. हम सब की एक कहानी होती है और लेकिन मेरे में एक स्किल भी है कि आई कैन राइट वेल. तो मैंने किताब लिखना शुरू की और उसके अंदर हुआ ये कि मतलब कि मैं लिख रही होती थी और जैसा कि हाँ ये भी हुआ था और मैंने उस वक्त रियलाइज़ नहीं किया कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ था इस बात का मेरी ज़िंदगी के ऊपर. सफ़र हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है. यस, सफरिंग इज़ समथिंग दैट हैपन्स, लेकिन उसमें से निकलना कैसे है कि यू नो मेरे साथ एक इतनी एक्सट्रीम चीज़ हुई और अब मुझे देखो लगता है कि हुई है, यू नो. सो दैट इज़ द एम ऑफ द बुक कि टू गेट यू आउट ऑफ दिस स्लम्प. क्योंकि मैं किताबें ढूंढ रही थी, इवेंचुअली मैंने अपनी हैरी पॉटर ही फिर से पढ़ना शुरू कर दी थी बिकॉज मुझे ऐसी कोई किताब मिली नहीं जिसमें यू नो किसी ऐसे बंदे की बात हो रही हो जो यू नो यंग एज में बीमार हुआ हो और हमारी सोसाइटी में हुआ हो. इट्स बीन प्रीटी सरियल फ्रॉम द मोमेंट दैट आई अप्लाइड. I'd never heard of Yumna before और उसका जो काम है. मैंने राहीन एक इतनी अमेजिंग कॉन्फिडेंट 12-year-old है, मुझे क्यों नहीं पता कि ये बंदी एग्जिस्ट करती है, यू नो. सो उस तरह से इट्स बिन ग्रेट टू फाइंड अदर पीपल हु आर यू नो वर्किंग डूइंग रियली इंस्पायरिंग थिंग्स. और एक बहुत अच्छी बात है कि उनको एक फाइनली प्लेटफॉर्म मिला है. ठीक है, आई थिंक मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि यू नो बैड थिंग्स हैपन इन लाइफ बट अगर कोशिश की जाए उनको ओवरकम करने के लिए तो फिर कुछ भी आप कर सकते हो. सो ऑलवेज ट्राई, हमेशा कोशिश करें.